हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आइयो, बच्चे ही होंगे। मैं सुमन, सुमन के रसोई में, सुमन के रसोई एंड लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल रेसिपी। मैंने पहले भी लेके आई हूँ दाल, बचे हुए दाल के पराठे, आप जाके मेरे देख लीजिएगा। और मैं इस बार लेके आई हूँ बचे हुए कढ़ी से। चलिए ऐसा नाश्ता बनाते हैं जो आपको यूजफुल भी रहेगा और खा के बहुत ही टेस्टी लगा था। तो चलिए आप बनाइए बचे हुए कढ़ी से, आप पे बनाएंगे और आप कुछ भी बना सकते हैं और उत्पम भी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर से ज़रूर हिट कर दीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहेगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, देखिए क्या है, आप देख सकते हैं और समझ भी जाएंगे क्या है। कढ़ी जो कि खाने से बच गई है, तो इसमें की सारी पकौड़ियाँ खा लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, झटपट बन के तैयार होगा। तो चलिए आज मैं नई रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे हमने दाल के पराठे, बचे हुए दाल के अपने पराठे बनाए हैं, आप जाके देख लीजिएगा, पराठों में प्लेन लिस्ट में भी देख लीजिएगा वैसे भी। तो चलिए आज मैं बचे हुए कढ़ी के बनाते हैं, ऐसी रेसिपी जो आप सुबह शाम चाय के साथ बना के खा सकते हैं। कड़ी बची हुई है तो आप शाम को बना के खा लीजिए। तो चलिए इसके बनाएंगे मैम, बिल्कुल कम तेल में झटपट बन के तैयार होगा। तो आप देखते रहिए वीडियो और चलिए देखिए। ये मैंने 1 कप, पहले 1 कटोरी में सूजी डालूंगी। आप किसी भी, जैसे आपकी कड़ी हो उसी हिसाब से आप सूजी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा नमक आप थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे क्योंकि कड़ी में सारे मसाले और सब पर्याप्त डला हुआ है, तो इसलिए डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा। झटपट बन के तैयार हो जाएगा कम तेल में ही। आप चाय के साथ जब चाहो तब आप इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी हम और डालेंगे सूजी, जैसा आपके पास कड़ी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डालिए, कम है तो कम का भी बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट कम तेल में बनने वाला। इसके तो बचे हुए कड़ी के तो आप बहुत सारे रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन आप चलिए मेरे तरीके से बनाइए। तो कम तेल में बनने वाला अप्पे और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, आप चाय के साथ जरूर ले सकते हैं। थोड़ी सी सूजी मैं और डालूंगी, और थोड़ी ही डालना है, ज़्यादा हमें थिक नहीं करना है क्योंकि अभी सूजी के डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि फूल के थिक हो जाएगा, इसमें के पकौड़ी गायब हो जाती है, खा लेते हैं सब। बची कढ़ी, तो इसमें आप इस तरीके से बहुत सारे रेसिपी बनते हैं, तो आप देखते रहिएगा वीडियो को, फुल एंजॉय करिएगा। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार है, यदि देख रहे हैं मेरी रेसिपी, यदि मेरी रेसिपी आपको थोड़ा सा भी पसंद आती हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। तो चलिए झटपट 5 मिनट में बनाते हैं। अब इसको देखिए, अब हमें ज़्यादा नहीं डालना है, अब इसको मैं थोड़ा सा नमक डाल के ढक देती हूँ। देखिए थोड़ा सा नमक डालूंगी, नमक ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, पहले से नमक है इसमें, थोड़ा ही नमक डालूंगी। मिक्स कर देते हैं, इसको ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए, अच्छे से सूजी हमारा फूल जाए तो फिर बनाते हैं झटपट। ज़्यादा देर इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर सूजी को, देखिए काफ़ी ठीक हो चुका है। 5 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। देखिए अच्छे से 5 मिनट बीत चुका है और काफ़ी ठीक हो गया है बैटर। तो चलिए हम इसको बनाते हैं फटाफट अप्पे, चाय के साथ एंजॉय करिए, आप भी बनाइए यदि कभी बचता है। मैंने पहले भी बहुत बार कढ़ी बची, भाई क्या करें इसको, क्या बनाएं। चलो फिर बहुत टेस्टी नाश्ता और हेल्दी नाश्ता बनाते हैं, अब कम तेल में भी बनाते हैं, तो इन्जॉय करिए आप भी बना के। गैस हमने जला के देखिए अप्पे में कर रख दिया है, गर्म हो रहा है, गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा, हाई नहीं करेंगे, नहीं हमारे सारे अप्पे जल जाएंगे। अब 2 अंगूर हम इसमें तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए 2 अंगूर तेल डाल के बढ़िया हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसमें बैटर डाल देती हूँ, अच्छे से गर्म हो गया है। और 1 बूंद ऊपर से भी तेल डाल देते हैं, या तो आप पलटते हुए तब डाल दीजिएगा, ऐसे ही डाल देते हैं, ज़्यादा तेल की डालने की ज़रूरत नहीं है।
अब इसको मैं ढक देती हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे। दो मिनट बाद मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए हमने एक पलट के देखा, ज़्यादा अच्छे से नहीं सीखा है इसलिए मैं थोड़ी देर और सीखने देती हूँ, तब फिर इसको पलटती हूँ। चलिए दिखाते हैं। अब अच्छे से सीख चुके हैं, मैं पलट लूँगी। देखिए इस तरीके से ऐसे पलटते हुए सारे अपे अच्छे से सेक लेंगे। आपको जितना करना है और डार करना है और अच्छे से सीखना है तो और अच्छे से सेक सकते हैं। अभी पलटते हुए फिर से सेकेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाए। ज़्यादा एक तरफ टाइट कर लेंगे तो दूसरे तरफ अच्छे से सीखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा हल्का में ही पलट लेंगे, फिर उधर से सीख जाएगा, तब पलट के दोनों तरफ से सेक लेंगे। ऐसे पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। मैं ढक के दो मिनट बाद फिर पलटती हूँ। चलिए दिखाते हैं। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सीख रहा है, फिर पलट के सीख देंगे इस तरह के से। डर पर बन के तैयार हो जाता है। तो आप भी कभी बचे कड़ी तो आप जरूर बना के देखिएगा हमारी रेसिपी, और इसके आप चिले भी बना सकते हैं तवा पे। हमने बना के चिले डाला है तो आप इस तरीके से चिले भी बना सकते हैं। इसको कम तेल में चिले भी बन के तैयार हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। चलिए सारे अपे निकाल लेते हैं। देखिए देख सकते हैं आप अच्छे से सीख गया है। आप भी बनाइए खाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगती है हमारी रेसिपी। अब इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे बैटर का बना लूँगी। चलिए अब बनाते हैं इस पर उत्पम, यानी चिले भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल डालेंगे, बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होगा। जब भी आपका मन करे आपके पास कढ़ी बच जाए तो आप ज़रूर बना लीजिएगा। जो मन करे अप्पे बना लीजिए, या तो चिले बना लीजिए, उत्पम बना लीजिए, तो आप ज़रूर भी बनाइएगा और खाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए एक तरफ से हो गया, चाहे तो आप ढक के पका लीजिए। ऐसे ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। इसको पलट के दिखाते हैं आपको। देखिए पलट के हमने दिखा दिया है, बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक ले जाए एंजॉय भारत। थैंक यू फॉर वॉच।